हेलो चिल्ड्रन, वेलकम फॉर द स्टैंडर्ड सेकेंड मराठी ऑनलाइन लेक्चर। व्यंजन की हम लोग ने सब लाइंस लर्न कर चुके हैं। लास्ट लाइन व्यंजन की बची है स से लेके ग तक का, वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका पूरा व्यंजन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला लेटर लास्ट लाइन का है, पहला अक्षर श। आपने प बनाना सीखा था ना, तो आपको प के जैसा बनाना है और अंदर एक स्ट्रोक डालना है, तो ये बन जाएगा श। श से षष्ठकोण, क्या आएगा? स श से षष्ठकोण। प के आप जैसा बनाओगे, प से पतंग आपने सीखा था ना, तो अब ये श से षष्ठकोण है और अंदर एक स्लैश, तो बन जाएगा श। श से षष्ठकोण मतलब क्या? हेक्सागन जो होता है ना आपका, ऐसे सिक्स साइड वाला, इसको षष्ठकोण बोलते हैं। तो आप प के जैसा बनाओगे और अंदर एक क्रॉस स्ट्रोक बनाओगे, तो ये बन जाएगा श से षष्ठकोण। प बनाना है एक स्ट्रोक, श से षष्ठकोण। उसके बाद है स से ससा। आपने र बनाने का है, फिर एक ऐसी स्लिपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, तो ये स से ससा। स से ससा मतलब रैबिट। र के जैसा बनाओगे, फिर एक स्लिपिंग लाइन छोटा सा, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, तो ये बन गया स। स से ससा, ससा मतलब रैबिट। र एक स्लिपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर की लाइन, स। स से ससा। उसके बाद है ह। आपने ई जैसा बनाते थे ना, इतना बनाएंगे आप लोग, फिर एक ऐसा ह से हिरन। पहले ई के जैसा इतना बनाना है आपको, ड जैसा बनाते, ड में आप लोग क्या करते थे, ड में आप ऐसे कर देते हो पूरा, तो ऐसे नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना करना है और फिर यहाँ से एक ऐसा हाफ राउंड, तो ये बन जाएगा ह से हिरन। ह से हिरन मतलब डियर, पहले इतना फिर एक ऐसा, तो ये बन गया ह। ह से हिरन, ह से हिरन। तो कितने अक्षर, कितने लेटर हो गए? श स ह। उसके बाद है ड। इससे कोई वर्ड नहीं आता है, ये आपका लेटर बाढ़, ये जैसे बाढ़ यानी मुलगा, छोटा बच्चा, उसके अंदर हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं बाढ़, तो ये ड है। आपको दो ऐसा गोल जैसा बनाना है और फिर एक स्टैंडिंग लाइन के साथ स्ट्रोक। जैसे बाढ़ एक वर्ड होता है, बाढ़ मतलब बच्चा, तो उसके आखिर में ये वर्ड यूज़ होता है बाढ़, इससे कोई शब्द शुरू नहीं होता है। उसके बाद है श। इस तरीके से आप बनाओगे, फिर एक स्लिपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन। श से शत्रु मतलब दुश्मन, पहले एक छोटा सा गोल, फिर आप उसको ऐसे करके लेकर आएंगे, फिर ऐसे। श से शत्रु, शत्रु यानी एनिमी, पहले एक गोल, फिर ऐसे, फिर इधर से ऐसे, फिर श से शत्रु यानी एनिमी, इंग्लिश में एनिमी बोलते हैं। अब लास्ट है ग्य। पहले एक ऐसे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, फिर एक स्लिपिंग लाइन, फिर आप यू बनाते ना वैसा करना है आपको, फिर है कैसे, तो ग से ज्ञानी, ज्ञानी मीन्स इंटेलिजेंट, संत लोग जो रहते हैं ना ज्ञानी, उन लोगों को बोलते हैं। एक स्टैंडिंग लाइन, एक ऐसे, फिर ग से ज्ञानी, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, हल्का से राउंड, फिर नीचे, ग से ज्ञानी, ग से ज्ञानी। ये आपकी लास्ट लाइन थी जिसमें कितने लेटर्स रहेंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6। हर लाइन में 5 लेटर्स रहते हैं, हर लाइन में कितने लेटर रहते हैं? 5। लेकिन आपकी लास्ट वाली लाइन में कितने लेटर रहेंगे? 6। ओके, तो एक बार रीड करते हैं। श, स से षष्ठकोण, स से ससा, ह से हिरन, ड से बाढ़, श से शत्रु, ग से ज्ञानी। यहाँ पे हमारे व्यंजन की लाइंस कंप्लीट हो गई है। हम लोग एक बार व्यंजन पूरा रीड करेंगे। पहला वाला है ख, क, ख, ग, घ, ड। सेकंड लाइन है च, छ, ज, झ, ञ, या त्र बोलते हैं इसको। थर्ड लाइन है ट, ठ, ड, ड, न। फोर्थ लाइन है त, थ, द, ढ, न। फिफ्थ लाइन है प, फ, ब, भ, म। सिक्स लाइन है य, र, ल, व, श। और लास्ट सेवेंथ लाइन है श, 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 स, ह, ड़ा, श, ग्या। तो इस तरीके से हमारी पूरी 7 लाइन्स है। कितनी लाइन्स है? 7 लाइन्स में, लास्ट वाली लाइन में
कितने लेटर्स रहेंगे, 6। कितनी लाएंगे हमारी टोटल, 7। तो आपको ये पूरा 1 पेज लिखना है आपकी नोटबुक में मराठी। ओके, थैंक यू।